आज हम आपके लिए बहुत अहम मालूमात लेकर आए हैं। ये मालूमात आपके इल्म में होना बहुत जरूरी है, चाहे आप ये एजुकेशन हासिल करें या ना करें, लेकिन एक तालीम याफ्ता होने के नाते ये मालूमात आपके इल्म में होना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, अब वो आगे क्या करें ये सोच रहे होंगे। एक ही रास्ता सोचते हैं, बीएड कर ले। लेकिन बहुत से मराइल है जो आप तय कर सकते हैं। पीजी के बाद आप एमफिल कर सकते हो या पीएचडी कर सकते हो। एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलोसॉफी और पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। एमफिल 1.5 से 2 साल का होता है और पीएचडी 3 साल का होता है। एमफिल जो है वो पीजी और पीएचडी के दरमियान का गैप एजुकेशन होता है, जो कि खुद मास्टर डिग्री है, और पीएचडी तो हायर लेवल की डिग्री होती है। एमफिल और पीएचडी से यह फायदा होता है कि आप सीनियर कॉलेज में लेक्चररशिप कर सकते हो, और पीएचडी से आपके नाम के साथ में एक टाइटल लगता है डॉक्टर का, जो कि एक बहुत स्टेटस का हामिल होता है। आपके नाम के साथ डॉक्टर का लकब लगता है और बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप ये डिग्रीज कैसे हासिल करेंगे? तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसका नाम है MPET, यानी मास्टर ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये एंट्रेंस टेस्ट देकर आप ये डिग्रीज हासिल कर सकते हैं, ये डिग्रीज के लिए दाखिला ले सकते हैं। हाल ही में गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी तफसील ये बताई गई है कि इसका एंट्रेंस टेस्ट यानी MPET की तारीख क्या है, इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, और उसकी पूरी डिटेल्स बताई गई है। तो चलिए हम आपको ये पूरी डिटेल बताते हैं, क्या है उसकी डिटेल पूरी। ये रहा संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ का नोटिफिकेशन, जो MPhil और PhD इंट्रेंस टेस्ट के लिए जारी किया गया है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप MPhil और PhD में इंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं, चाहे आर्ट्स से हो या साइंस से हो। इसके लिए आपको एक इंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसका नाम है MPET, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और ये 2022 के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन है अमरावती विद्यापीठ के ज़रिए से। अब आप अपना फॉर्म इस वेबसाइट पर भर सकते हैं, https://www.sgbau.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं, MPhil करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद एक और ख़ास बात यह है कि जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको मालूमात दी जाएंगी कि कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। ये हर ज़िले में एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है, इसकी मालूमात भी आपको फॉर्म भरने के बाद दी जाएंगी। इसकी फ़ीस है ओपन कैटेगरी के लिए 1200 रुपये और दीगर कैटेगरीज़ के लिए 700 रुपये फ़ीस रखी गई इस एग्ज़ाम की। अब देखिए इसके एग्ज़ाम की तारीख कब से कब तक है। आपको फॉर्म भरना है 28/4/2022 से, लास्ट डेट है उसकी 20/5/2022 तक। इस दरमियान में आपको फॉर्म भरना है। अब जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आपको उसकी तारीख फॉर्म भरने के कुछ दिन के बाद मालूम पड़ जाएंगी अप्लीकेशन करने के बाद। जैसे कि डेट ऑफ MPhil एंड PhD इंट्रेंस टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन MPT अप्लीकेशन। लास्ट डेट के बाद आपको उसकी
एमपीटी एग्ज़ाम की तारीख मालूम पड़ जाएगी कि कब एग्ज़ाम होगा करके। अभी तो सिर्फ फॉर्म भरने की तारीख बताई गई है, उसके बाद आपको उसी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा आपका एडमिशन कार्ड, जो कि आपको 7 दिन पहले, एग्ज़ामिनेशन के 7 दिन पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। 7 दिन पहले वो अपलोड किया जाएगा और 7 दिन पहले आपको, एग्ज़ामिनेशन के 7 दिन पहले आपको आपका कार्ड इसी वेबसाइट पर दस्तियाब हो जाएगा। सारी इंस्ट्रक्शन तालिबे इल्म ने बहुत गौर से पढ़ना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। और बाकी अगर आपको सिलेबस चाहिए तो ये दो वेबसाइट पर आप मुकम्मल सिलेबस हासिल कर सकते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो आप एमफिल और पीएचडी के लिए बैठ रहे हैं। तो उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या डिटेल्स है, फॉर्म कब भरना है, कितनी फ़ीस है और इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रखे गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें आपको एकेडमिक करियर गाइडेंस और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।